मौके का देखिएगा, होशियार वो होता है जो मौके का फायदा उठाता है। कौन होता है? होशियार। तो आप लोग होशियार बनेंगे। तो इसीलिए ये मौका है आपके पास, इसका फायदा उठाए, ठीक है। और जैसा कि आप सब बता रहे थे कि कुछ बच्चे पिछली बार जिनका नंबर नहीं आया था वो रो रहे थे, जबकि बताया ये जाता है कि रोना नहीं है, उस चीज से हमें सीखना है। सीखना ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हमारे अंदर रह गई जिसकी वजह से हमारा नंबर नहीं आया है। और आपको ये बात साफ करनी यहां पर कि किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं होता है। जो भी रिजल्ट होता है ओरिजिनल, जिसने जो नंबर हासिल किए हैं वो नंबर उसको दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके नंबर ज्यादा है तो उसको रिजल्ट ज्यादा वो दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि स्कूल के लिए, स्कूल की कमेटी के लिए, स्कूल के स्टाफ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, सारे बच्चे बराबर होते हैं, सभी बच्चों से बराबर प्यार किया जाता है। तो ये बिल्कुल भी अपने जहन से निकाल दे सारे बच्चे कि आपके साथ कोई बात ऐसी हुई है कि मेरा नंबर आया। सभी की कॉपी हमारे पास रखी हुई है, ड्राइंग की कॉपी, राइटिंग की कॉपी और जो अभी कॉम्पिटिशन जीके हुआ उसकी कॉपी सभी रखी हुई है। जो भी बच्चा देखना चाहे वो निसंकोच देख सकता है। बात समझ में आ रही है जी। तो ये पहली बात, ठीक है। अब जैसा कि अभी पिछले दो कॉम्पिटिशन हुआ जिसमें रिजल्ट बांटा गया है, उसमें बहुत से बच्चे लगातार आ रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो बच्चे लगातार दोनों कॉम्पिटिशनों में पास हुए हैं, जिन्होंने रैंक बनाई है, तो वो मेहनत कर रहे हैं। उसमें ऐसा भी हुआ है कि जो बच्चे फर्स्ट कॉम्पिटिशन में आए थे सेकेंड में ड्रॉप हो गए वो लोग, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने ऊपर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे थे और वो ड्रॉप हो गए। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को डाउन कर देता है, तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी है। जैसे मैं पहले ही बताया था और ज्यादा होता ना ज्यादातर बताता हूं कि एक छोटी सी बूंद जब पत्थर पर गिरती है और बहुत टाइम तक गिरती रहती है तो उस पत्थर के अंदर भी छेद हो जाता है कि नहीं हो जाता। इसी तरह से लगातार मेहनत करने से ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कोई कामयाबी से रोक सके। अब्दुल कलाम का एक वो है, जो हमारे राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम, उनका एक स्लोगन है कि लगातार हो रही असफलताओं से घबराना नहीं है। यानी कि हमारे साथ अगर हमारा नंबर नहीं आ रहा है, लगातार हम फेल हो रहे हैं, तो घबराना नहीं है। सुनो बच्चों, लगातार जो असफलता हो रही है, नाकामयाबी हो रही है, उसका घबराना नहीं है। क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। बात समझ में आ रही है? कभी कभी गुच्छे बहुत सारी चाबियां होती है, हम लगाते हैं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कभी आखिरी चाबी लगाई हो खुल गया, तो वो चाबी का इंतजार करना है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सब तैयार है? कैसा करेंगे याद नहीं रहता? कैसा कैसा प्लान करेंगे मेहनत का? प्लान बनाएंगे शादी में जाने का? बोले तो देखिए, हाँ शादी का नाम आते ही जवान लप लपाई किसकी है? मुर्गा, मछली, बास्केट, टंगेरी, सब। तो इस चीज को छोड़ा, ये तो बजेगी बजेगी। देखो जब आदमी भैंस लेकर आता है ना, भैंस, तो वो दूध के लिए लाता है। किसकी लाता है? गोबर से कंडा बनता है, देखिए नहीं, गोबर से गैस भी बनाई जाती है।
ये बहुत बेकार चीज है।